अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जब हम अपने स्कूल डेज में थे तब हमारे पास जो ड्राइंग बुक थी उसमें एक चीज बहुत कॉमन थी जो कि बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती रहती थी, विच इज ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये चीज कंटिन्यू रही मेरी ग्रेजुएशन तक। जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा, मेरे स्टिल लाइफ की सबसे पहली क्लास में मुझे ज्योमेट्रिकल शेप दिए गए थे जिनको मुझे कंपोज करके एक कंपोजिशन बनानी थी। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, मैं इसी वीडियो में आगे बात करूंगा। अच्छा, चाहे ज्योमेट्रिकल शेप्स कैसे भी हों, एक चीज आप मुझसे जरूर एग्री करेंगे, वो है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स किसी को भी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम लोग सीधा पोर्ट्रेट या फिर लाइक कंपोजिशन की तरफ जाना ज्यादा पसंद करते थे एज कम्पेयर टू दिस वन। हम ज्योमेट्रिकल शेप से हमेशा बचते थे। अच्छा, मैं आपसे अगर कहूँ कि बिना इन ज्योमेट्रिकल शेप के आप अगर किसी स्ट्रक्चर को बनाते हो तो वो मच मोर टफ बन जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप उन्हें सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हो। और मैं यही चीज एग्जैक्ट बताना चाहता हूँ कि आप प्रोफेशनलिज्म इस चीज से बहुत हासिल कर सकते हो। अगर आप शेप्स और फॉर्म पर कमांड पा लेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा बेटर कर सकते हो अपने आर्टिस्टिक करियर में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और मैं सीधा आता हूं वीडियो के मेन टॉपिक पे, विच इज 3 golden rules जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। नंबर 1 स्ट्रक्चर, 2 वैल्यू एंड 3 इज डिटेलिंग। और डिटेलिंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ऊपर के 2 पे कमांड पा लेते हो तो आप एक बेहतरीन आर्टवर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, आगे इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूल से, विच इज स्ट्रक्चर। गूगल पे सिंपल सर्चेस में इसका मीनिंग यह लिख के आता है, लेकिन अगर हम इसमें फर्दर जाएं तो यहाँ पे एक टर्म यूज करी गई है, विच इज एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट 7 टाइप के होते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो 3 को देखेंगे और बाकी के जो बच्चे हैं उनको मैं फर्दर या तो इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगा या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। लाइंस एंड शेप बहुत ही बेसिक हैं, आप सबको समझ में आता है। 2 dimension पे लाइन को 1.2 सेकंड पॉइंट जो लाइन रहती है वो इस तरीके से ड्रॉ होती है और इसका बहुत वाइडली यूज होता है किसी भी आर्टवर्क में। अगर हम लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे तो वो ना ही शेप बन पाएगा ना ही फॉर्म बन पाएगा। सबसे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट जो है वो है लाइंस, एंड सेकंड जो आता है हमारा वो आता है शेप्स। शेप्स हम बचपन से ही बनाते हुए आ रहे हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो एंड सो ऑन। फॉर्म एक तरीके से कंपोजिशन है लाइन और शेप का, जो कि हम कंबाइन करके जब 3D फॉर्म में लेके आते हैं शेप को, वो तब जाके बनता है एक फॉर्म। बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है वो 2D सरफेस पे 3D शो होती है थ्रू फॉर्म। हम जब फॉर्म का यूज करते हैं किसी भी आर्टवर्क में तो वो 2 dimension से 3 dimensional लगने लगती है। सो रिमेम्बर जब हमने बात करी थी कि हमने बचपन में जो ज्योमेट्रिकल शेप पढ़े थे वो यहाँ पे काम आते हैं। ओके, आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है किसी भी शेप्स की। अगर आप वो नहीं जानते तो आप फॉर्म को किस तरीके से बनाएंगे। 3 dimensionally एक एडवांस लेवल हो जाता है, इसीलिए वो बहुत कम पढ़ाया जाता है। लाइक वो 10th 12th के लेवल में आके हमें ज्योमेट्रिकल शेप्स में 3D फॉर्म आने लगती है, जो कि हम जब बच्चे होते हैं तो हमें सिंपली वो रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप की चीज़ें बना के दे दी जाती है ताकि हमें बस अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि चीज़ें किस तरीके से बनती हैं लाइंस के थ्रू। डिमॉन्स्ट्रेशन से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, आप अपने रोटेटर कफ का यूज़ करिए पेंसिल को यूज़ करने के लिए। जब आप इस तरीके से यूज़ करोगे तो लाइंस में काफ़ी फोर्स आएगी और आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपनी रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दूँ कि लाइंस किस तरीके से बनती हैं, सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस किस तरीके से खींच सकते हैं, जो कि हमारे एलिमेंट का सबसे पहला पार्ट था। उसके बाद हम जाते हैं सीधा शेप्स पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शेप्स बनाता हूँ, रेक्टेंगल या जो भी है, इसको स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि मैंने इसको मेज़र नहीं करा है, तो हो सकता है इसे मैं रेक्टेंगल कह के काम चलाऊंगा। देन अभी हम आते हैं सर्कल के ऊपर। सर्कल देख रहे हो, यहाँ पे मैं अपनी रिस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं पूरे रोटेटर कफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मुझे बेटर मूवमेंट दे रही है। और उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉपर एक रेक्टेंगल पे आते हैं और ये मैंने अब बनाया है एक पिरामिड या फिर हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इसमें एक चीज़ और डेमोंस्ट्रेट कर दूं कि अगर सर्कल बना रहे हो तो आप उस सर्कल को और कितनी तरह से बना सकते हो। लाइक आपके पास शेप आ गया लेकिन आप इसे और भी ज़्यादा तरीके से बना सकते हो नहीं, तो वो आप करके देखिए, ये प्रैक्टिस के तौर पे हो जाएगा। देन अब मैं आता हूँ इस पे
एक 3D लाइक एक्चुअल फॉर्म पे, कि वो अगर शेप है तो शेप सिंपल है, लेकिन अगर फॉर्म अगर बनाना चाह रहे हो तो वो किस तरीके से होगी, जो कि एक 2D सरफेस पे 3D का लुक किस तरीके से देगी। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। आपका कोई भी तरीका हो सकता है, बस आपकी लाइंस क्लियर होनी चाहिए, आपका प्रोपोर्शन क्लियर होना चाहिए कि आप किस, अगर 3D डायमेंशन में बना रहे हो तो वो लगना भी चाहिए कि 3D लुक दे रहा है, कि वो एक 2D सरफेस पे होके भी 3D का एहसास करा रहा है। वही जो रियलिस्टिक पेंटिंग होती हैं जिनमें बेहतरीन तरीके से प्रोपोर्शंस का यूज़ करा जाता है, तो वो फील भी कराती हैं कि ये जो पेंटिंग है या ये बिलोंगिंग आर्टवर्क है वो ऐसा है जो कि 2D सरफेस पे 3D है। अब जैसे कि मैंने सेकंड बनाया है, इसी को ही मैं डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ कि आप इसको और कितने वेराइटीज़ में बना सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि फाइनाइट आप बना सकते हो इसको, फाइनाइट नहीं है, बल्कि आप इनफाइनाइट बना सकते हो। एक स्क्वायर से या एक रेक्टेंगल से आप इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सिमिलरली मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इन शेप्स की, जो कि आगे चल के अभी जब हम फाइनल वर्क बनाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे जितने भी मैं सिलेंडर बनाऊंगा या जो भी बनाऊंगा, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। आपको इसी तरीके से काफ़ी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ जो है वो खुल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें। मैं सिलेंडर बना रहा हूँ और उसको भी हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम बना सकें। ओके, स्टार्ट करते हैं अब हम सीधा जो मेन ड्राइंग है उसकी तरफ। देखो, मैंने सबसे पहले एक जो है बॉक्स टाइप का बना लिया है, जो कि मैंने सबसे पहले शुरुआत में आपको बताया था कि आप 3D करके बनाइए तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और मैं इसको प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें, और इस तरीके से कोशिश करें कि आपको आर्टवर्क इस तरीके से बनाना है। इस बनाने के लिए लूमिस मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर जो भी है मेजरमेंट मैं उसी तरीके से ले रहा हूँ। यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप जो नेक की जगह है वहाँ पे मैंने सिलेंडर का यूज़ करा है, एंड देन उसके आर्म यहाँ पे भी एक सिलेंडर का यूज़ हो रहा है। एंड लोग यहाँ पे सब जगह नहीं, वही शेप्स और वही फॉर्म यूज़ हो रहे हैं जो मैंने अभी प्रीवियसली मैंने डिस्कस करे थे, वही सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं यहाँ पे। सो आप लोगों को ज़्यादा फॉर्म्स या फिर शेप्स पे वर्क करना है अपने, और एट द एंड रिज़ल्ट यही आएगा। कोशिश करिए ज़्यादा फॉर्म्स पे कमांड हो और हाथ को जितना हो सके अपने रिस्ट को यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने रोटेटर कफ को फुल्ली यूज़ करिए, और मसल मेमोरी एक बार बन गई तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन देखिए, ये वाला जो लेग है मैं इसको थोड़ा सा कर्व कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सीधा बना दूंगा तो वो थोड़ा सा विजुअली अच्छा नहीं लगेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं वैसे भी बना सकता हूँ, लेकिन जस्ट फॉर रिदम मैं उसके पैर को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ। ये चीज़ मैं लास्ट में भी कर सकता था सही, क्योंकि जब हम लास्ट में वर्क करते होते हैं तो हम वहाँ पे कर्व लाते हैं, क्योंकि हम सिलेंडर तो हमारा पैर होता नहीं है, थोड़े से कर्व होते हैं, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में पहले से ही है, तो मैं उसको पहले से ही कर लेता हूँ। लाइक थोड़ा सा सिलेंडर को कर्व कर दिया जिससे पैर का थोड़ा सा लुक आ गया। ऐसे ही मैं थोड़े से वहाँ पे लाइंस डाल रहा हूँ ताकि इससे आसानी हो जाए लोगों को समझने में कि यहाँ पे फॉर्म इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो बाकी तो मैंने इस पे जितना भी है आउटलाइन या कॉन्टूर कह लो, वो कंप्लीट करने के बाद हम इसको कर सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पे मैं आर्म्स को और डिफाइन कर रहा हूँ कर्व डाल के, लेकिन आपने देखा यहाँ पे ऑनेस्टली सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड शेप्स और फॉर्म के।
आपको अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से बना हुआ होता है। सो अभी जस्ट हैंड बना के इसको कंप्लीट करता हूँ मैं, और यहाँ पे फेस वगैरह कंप्लीट होने के बाद जो इसका डिटेलिंग पार्ट है वो मैं अभी जब सेकंड में अपने पॉइंट पे आऊँगा तब मैं बात करूँगा, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो मैं तभी डिस्कस करूँगा इस स्ट्रक्चर के बाद। अब मैं बात करता हूँ सेकंड रूल विच इज़ वैल्यू, और वैल्यू मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बता भी दूँ आपको कि ये किस तरीके से बनेगा 3D, अगर मैं फॉर्म आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से बनते हैं तो भी आप समझा नहीं पाएंगे विजुअली किसी को कि वो 3D है, जब तक उसमें वैल्यूज ऐड नहीं हो जाती। वैल्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था 7 एलिमेंट होते हैं, और 7 एलिमेंट में एक एलिमेंट वैल्यू भी होता है। वैल्यूज कलर से सीधा ही रिलेट करते हैं, लेकिन कलर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उसे किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं वैल्यूज की। अच्छा, वैल्यूज को समझने के लिए मैंने अपने लिए खुद एक फॉर्मूला बनाया था, वो मैं आज डिस्कस करता हूँ। और मैं बेसिकली बता दूँ, ये मैंने कहीं से उठाया नहीं है, ये मैंने खुद अपने आराम के लिए बनाया था। जो डार्क वैल्यू होती है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई चीज़ दूर है तो उस पर लाइट की स्ट्राइकिंग बहुत देर से हो रही है और वो हमारी आंखों पे देर से लग रही है, इसीलिए हमें इल्यूजन होता है कि वो चीज़ दूर है हमसे। तो डार्क को दूर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर कोई चीज़ पास है क्योंकि उस पर सडन हिट होगा लाइट का और वो हमारी आंखों में लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो पहले दिखाई देगी, इसीलिए वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे पास से। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, दूर जो है वो इज इक्वल टू डार्कनेस, और अगर हम पास की बात करें तो वो इज इक्वल टू है लाइटनेस। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि लाइटनेस और डार्कनेस से ही हम कंबाइन करके बना सकते हैं एक किसी भी आर्टवर्क को बेहतर। इन बिटवीन जो लाइन होती है जो उन दोनों को बीच में से सेपरेट करती है लाइट और डार्क को, वो उसे टर्मिनल कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जब हम मून को देखते हैं और वो एक शेप बनाता है, तो वो टर्मिनल लाइन शो करता है क्योंकि उसमें सेपरेशन हो रहा होता है बहुत ही ज्यादा लाइट और डार्क का। ओके, तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एरो बना देता हूँ जो डिफाइन करता है कि सन की डायरेक्ट लाइट जो है वो इस बॉल पे पड़ रही है। अभी आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे कि अभी एक फ्लैट शेप की तरह है, लेकिन जैसे ही इसमें हम वैल्यूज एड करते हैं तो ये स्पेयर बन जाता है। तो वो चीज़ जो है वो आपको वैल्यूज से ऐड आराम से हो जाएगी। वैल्यूज जब आप ऐड करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये आउटपुट निकलेगा, आर्टवर्क में एक 3D आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे जो है छोटा वाला, मैं उसकी पहले सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे चीज़ ये है कि अभी जो लाइट पड़ रही है ना वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है। चलो तो अब मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने एनाटॉमी बनाई थी वो किस तरीके से दिखेगी। तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मैं यहाँ पे जो मुझे लग रहा है डार्क करना है वो मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अभी बॉडी निकल के आ रही है कि हाँ ये कुछ इस तरीके से है वर्क। ओके, तो अब मैं आता हूँ अपने सीधे थर्ड पॉइंट पे, और जो कि मेरा थर्ड रूल भी है विच इज डिटेलिंग। और डिटेलिंग मेरा फेवरेट रूल है जिसे मुझे करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन रिसेंटली मैंने अपने कुछ आर्टवर्क जो रहे मेरे इंसिपिएंट हो या फिर मेरा कैंसर वाला हो, उसमें मैंने कोशिश करी है कि मैं डिटेलिंग की तरफ नहीं जाऊँ। उसके अलावा मैंने अपने सेल्फ पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग का इस्तेमाल करा था, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिलाता है आपको टेक्सचर और वैल्यूज़ की, कि आप कितना एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हो। तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए डिटेलिंग। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपके मोटे आर्टवर्क हैं आपके, या फिर आपको लगता है प्रैक्टिस के वर्क, तो उसमें डिटेलिंग की तरफ मत जाओ। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ को कैप्चर करने की। डिटेलिंग को भी मैंने सीधा दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मतलब दो पार्ट में नहीं, मैंने दो टाइप में, कि एक होता है अनइंटेंशनली और एक होता है इंटेंशनली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनइंटेंशनली की। अनइंटेंशनली जो वर्क रहते हैं मुझे लगता है उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो रहता है पेंसिल्स और जो भी मटेरियल रहता है। उसकी वजह ये है कि हम जब कोई टेक्सचर अचीव करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ही रास्ते रहते हैं, या तो हम उसे टेक्सचर को बनाएं एक पर्टिकुलर, या फिर हम उसको अचीव करने की कोशिश करें थ्रू मटेरियल्स। लाइक अगर हम रफ सरफेस वाला पेपर ले लेंगे तो उस पर पहले से ही पोर्स होते हैं, जब हम उसको स्क्रैप करेंगे या एक पेंसिल को वहाँ पर चलाएँगे तो वहाँ पर जो उसका पेपर का टेक्स्चर होगा वो अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से आउटपुट देगा, और वही आउटपुट आपके आर्टवर्क में
एज अ टेक्सचर काम करता है। ओके, अब मैं बात करता हूँ इंटेंशनली जो कि हम टेक्सचर अचीव करते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो मेरे खुद का, जो मैंने अपना आर्टवर्क बनाया था, सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था मैंने, उसको दे सकता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, अगर मैं बताना भी चाहूँ तो इतना नहीं बता पाऊँगा। मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं स्किन टेक्सचर के बारे में ही बात करूँ। बट मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं जूम करता हूँ और मैं अपने लेफ्ट चीक को देखता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो एक छोटा सा पिंपल है, लुक ये वाला पिंपल, मैं इसको एज अ स्किन के तौर पे देख ही नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक क्वायर समझ के उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं छोटे 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 शेप्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ तो ओवरऑल ये पूरा बन के आता है। मैं एज अ अगर इंडिविजुअली के नाम मैं चीज़ों को देखूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई नो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा, तो मैं कोशिश करूँगा इसके बाद एक नई वीडियो बनाऊँ जिसे मैं स्किन टेक्सचर पे ही बनाऊँ, तो आप उसके लिए इंतज़ार कर सकते हो। चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, और अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।